हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है विप्रो की तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विप्रो हायरिंग कर रहा है, बल्क में हायरिंग कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस गाइस, अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर बीई बीटेक किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बल्क में हायरिंग होने वाली है और यहाँ पर ऑल ब्रांच स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। गाइस चलिए हम लोग ओपनिंग की ओर चलते हैं। और साथ में देखिए, मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ऐसी अपडेट काफ़ी सारी देती रहती हूँ जो हमारी यूट्यूब से छूट जाती है। यूट्यूब पर ज़्यादा अपडेट देना पॉसिबल नहीं है गाइज, इसीलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए वैकेंसी। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपनी वैकेंसी की ओर चलते हैं। तो गाइज देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी आ रही है विप्रो की तरफ से आ रही है, और यहाँ पर आप लोग की पोस्ट रहने वाली है विप्रो हायरिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस। 0 to 2 ईयर आप लोग एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। कोलकाता लोकेशन रहने वाली है, कोलकाता में आप लोग की लोकेशन रहेगी। और देखिए यहाँ पर गाइज, आप लोग के हाईलाइट कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा ये जो जॉब है। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप लोग का यहाँ पर दे रखा है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। HR यहाँ पर प्रियंका जी आप लोग रहने वाली हैं, और आप लोग की फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, और कॉल इंडस्ट्री टाइप विप्रो कॉल सेंटर रहेगा। अगर गाइस आप लोगों ने जैसे क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख के BSc कर रखा है किसी भी स्पेशलाइजेशन में किसी भी ब्रांच से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे BBA, जो BMS, और यहाँ पर किसी भी ब्रांच में BCOM आप लोग, BA किसी भी ब्रांच में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में आपके पास इनमें से कोई भी स्किल आती तो भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेट करना जानते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश यहाँ पर आपकी अच्छी है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर से मैंशन करें। साथ में अगर आप यहाँ पर किसी भी शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका गाइस, यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है, यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलेंगे। तो गाइस ये जो नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है ये भी विप्रो की तरफ से आ रही है, और यहाँ पर देखिए IT सर्विस डेस्क इंजीनियर की यहाँ पर जॉब रहने वाली है। 0 to 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोकेशन आप लोग के लिए रहेगी हैदराबाद, सिकंदराबाद, नावी मुंबई, पुणे और चेन्नई। और गाइस इन लोकेशन से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो आप लोग की रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, जब तक कि आप लोग का COVID-19 का समय चलेगा तब तक आप लोग की वर्क फ्रॉम होम रहेगी। उसके बाद आप लोग की वर्क फ्रॉम होम ऑफिस हो जाएगी। जॉब हाईलाइट जैसे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आप लोग की अच्छी होनी चाहिए, रीड एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग आप लोग को इंग्लिश में आना चाहिए। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप लोग की सैलरी वगैरह यहाँ पर दे रखी है, नावी, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पर हैदराबाद, दिल्ली आप लोग की लोकेशन रहेगी। और यहाँ पर आप लोग सारी एक्टिविटीज़ के बारे में देख सकते हैं। साथ में आप लोग की फुल टाइम जॉब रहेगी गाइस, और यहाँ पर एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करें, और सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप लोग को करना है यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ओपनिंग की ओर चलेंगे। गाइस नेक्स्ट ओपनिंग भी आप लोगों की जो है विप्रो की तरफ से आ रही है, विप्रो हायरिंग फॉर वॉइस प्रोसेस इन दिल्ली। लोकेशन आप लोग की दिल्ली रहेगी। HR यहाँ पर मानसी जी हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 1 ईयर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए होगा तो आप लोग अप्लाई करेंगे। लोकेशन आप लोग की नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, NCR आप लोग की रहेगी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे रोटेशन शिफ्ट रहेगी गाइस, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए इनका जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप लोग यहाँ पर अपनी CV जो है सेंड कर सकते हैं या फिर रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग यहाँ से देख लीजिए गाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब पूरी आप लोग को यहाँ पर दी गई है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर लोकेशन दिल्ली सरता विहार दी गई है, और HR मानसी जी हैं, और यहाँ पर आप लोग का फ़ोन नंबर दिया गया है। इस फ़ोन नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके इनकेस के पूरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ में देखिए फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। अगर आप इस जॉब के लिए एक बार लग जाते तो आप लोग यहाँ पर परमानेंट कर दिए जाएंगे। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लोकेशन जो है स्किल आती है तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करें, आपके प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगी स्किल, क्योंकि गाइज जो है यहाँ पर डिप्लोमा और बीई बीटेक काफ़ी लोगों ने किया होता है, बट स्किल बहुत ही कम लोगों के पास होती हैं। इसीलिए हम लोगों को भीड़ में से अलग करने के लिए ज़्यादातर हमें स्किल का आना ज़रूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को चलेंगे।
देख सकते हैं गाइस विप्रो हायरिंग कर रहा है फॉर कोलकाता लोकेशन के लिए। 0 to 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल और लोकेशन रहेगी, मतलब रोटेशन शिफ्ट रहेगी आप लोग की, BA BCOM BSc ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को स्क्रॉल करूँगी, मानसी जी यहाँ पर HR रहने वाली है और यहाँ पर आप लोग की जो है दे रखी है, देखिए यहाँ पर आप लोग की CV सेंड करने के लिए ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर आप लोग CV सेंड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूरा हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर रोटेशन शिफ्ट रहेगी, BA BCOM BSc ग्रेजुएट यहाँ पर परसोइंग मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में देखिए यहाँ पर इंग्लिश आप लोग की यहाँ पर थोड़ा आना चाहिए आप लोग को। और रिगार्डिंग यहाँ पर CV सेंड करने के लिए मानसी जी पर करेंगे, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। ग्रेजुएट यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए अगर आप मिनिमम 12th हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग ने यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले 12th से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहूँगी ग्रेजुएट नॉट रिक्वायर्ड है, बट आप लोग 12th से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए। अगर नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अदर प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोफाइल के लिए डिप्लोमा वाले ज़रूर से अप्लाई करें। नेक्स्ट ओपनिंग की ओर चलेंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट जो ओपनिंग आ रही है वो भी विप्रो की तरफ से आ रही है और कोलकाता लोकेशन के लिए। यहाँ पर देखेंगे जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग का जो है वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, आई मीन वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है आप लोग को उस लोकेशन पर जाना होगा। लोकेशन आप लोग की यहाँ पर दे रखी है, आप लोग इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। और उससे पहले आप लोग इनके जो मांझी जी हैं उनका नंबर पहली प्रोफाइल में दिया गया था, उन पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर 0 से लेकर 2 ईयर एक्सपीरियंस तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो है डिप्लोमा वाले 12th वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी गाइस आप होगी। यहाँ पर जरूर से अप्लाई करें, अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी आप लोगों के लिए स्किल आती है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना कर सकते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग आती है वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग को अदर कोई इसमें से स्किल आती है तो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल की ओर चलेंगे। तो गाइज ये जो वैकेंसी आ रही है, नेक्स्ट वैकेंसी है, ये विप्रो की तरफ से ही आ रही है और विप्रो कोलकाता के लिए हायरिंग कर रहा है वॉइस प्रोसेस के लिए। 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हो आप लोग तो अप्लाई कर पाओगे। और साथ में देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता लोकेशन रहेगी। और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखिए अभी ज़्यादा लोगों ने भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है गाइस, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर। और विप्रो में यहाँ पर पूरा दे रखा है, आप लोग का वेन्यू दे रखा है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे आप लोग फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इमीडिएट ज्वाइनिंग है गाइस, और वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और स्किल आप लोग को जो है इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा एक्सीलेंट इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि गाइस जो है आप लोग की जो आप लोग की वॉइस प्रोसेस की चेयर रहने वाली है जॉब, तो इसलिए इंग्लिश आप लोग को आना अच्छा होना चाहिए। कस्टमर केयर एसोसिएट यहाँ पर रहेगी जॉब और एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन है यहाँ पर कि इंग्लिश आप लोग का ज़रूर से आनी चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर देखिए इस नंबर पर आप लोग अपनी ईमेल आईडी वो अपना जो है रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। साथ में देखिए अपना नाम एंड लोकेशन यहाँ पर इस नंबर पर लिख देंगे, या फिर आप लोग के लिए देखिए ये ईमेल आईडी भी दी गई है यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये कई चीज़ें दी गई हैं, देखिए आप लोग इस नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं या फिर इस पर सेंड कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आप लोग कॉल किस पे करेंगे, कॉल करने के लिए यहाँ पर देखिए इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये HR का नंबर दे रखा है, डायरेक्ट आप लोग HR से बात कर सकते हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा सारी चीज़ें क्या है और फुल टाइम आप लोग की परमानेंट जॉब रहेगी। और देखिए एजुकेशन आप लोग की क्या रहेगी गाइज, एनी ग्रेजुएट तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ज़रूर से अप्लाई करें। ये सारी लिंक आप लोग को देखिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हें ज़रूर से अप्लाई करें गाइज, दोनों तरीकों को अपनाएं। अगर आपको यहाँ पर मैं अप्लाई करने के लिए कह रही हूँ, मेल से भी अप्लाई करें और जो है आप लोग इसके यहाँ पर से भी अप्लाई करें, लिंक से भी अप्लाई करें। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।